चलिए तो दोस्तों, कैसे आप सभी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारी मैथ्स क्लास में। दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा है रेशियो प्रोपोर्शन का, यानी अनुपात समानुपात का चैप्टर चल रहा है। ये हमारी सातवीं क्लास है दोस्तों। इससे पहले मैं पुराने चैप्टर करा चुका हूँ, इसकी भी जो रेशियो प्रोपोर्शन के जो चैप्टर है वो करा चुका हूँ पुराने सवाल, तो वो जाकर देख लेना। अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। इसके अलावा जिन लोगों ने पुराने चैप्टर नहीं देखे वो भी जाकर देखना। अपन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। पहला क्वेश्चन देखना दोस्तों, पूरे क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। अब मुझे बताते नहीं है कि भाई क्वेश्चन भी दिया करो या नहीं दिया करो, और अब क्वेश्चन भी मुझे कमेंट करके नहीं बताते आंसर। जो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं उनका आंसर, पहला क्वेश्चन देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के सवाल आपको पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखना कि एक महाविद्यालय में कला वाणिज्य और विज्ञान में, भाई कला वाणिज्य और विज्ञान में तीन ये संकाय है, इनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात, अनुपात जो है वो 3:5:8 है, ये अनुपात दिया हुआ है। अब क्या हुआ, इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः इनकी संख्या में 20% की वृद्धि, 40% की वृद्धि और 25% की वृद्धि हुई। अब इन विभागों में जो ये तीन संकाय है इनका अनुपात अब क्या होगा, ये वृद्धि होने के बाद। देखो वृद्धि का बोला है तो ये भी 100% है, ये भी 100% है, ये भी 100% है। 20% वृद्धि का बोला है तो हम 3 का कितना कर देंगे, 120 कर देंगे, बटे 100 कर देंगे। ठीक है, अनुपात है तो अनुपात लगा दिया। 5 का यहां पर 140 कर देंगे, बटे 100 कर देंगे। ठीक है, और यहां पर 8 का 125% कर देंगे और ये 100 कर देंगे। अब 125 हो गया है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ काटा पीटी करनी है और जो मिनिमम वैल्यू है वो लानी है, तो हमारा अनुपात निकल जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गई, ये 0 से 0 0 से यहां पर 0 नहीं कटेगा, इसको 25 से काट देंगे, 5 बार कटेगा, 25 से 4 बार या 4 से 2 बार कट जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे 2 से 7 बार और 2 से 5 बार, और 5 से 5 खत्म हो गया। इसको 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 6 बार, ये 2 से कटेगा 5 बार। ठीक है, अब क्या होगा, 6 तो 18 हो गया हमारा। अब इस 5 का यहां पर ये यह 7 ही बचा, यहां पर 5 × 2 = 10 बचा, तो 5 का इन दोनों गुणा हो जाएगा तो 7 × 5 हो गया 35, और अनुपात 5 × 2 = 10 है तो 10 × 5 = 50। ये हमारा क्या आ गया, नया अनुपात आ गया वृद्धि होने के बाद, ये हमारा आंसर है, देख लेना। ठीक है, क्या है, 18:35:50। अब आप कहेंगे 5 कहां गया भाई, लघुत्तम लेते हैं और उसका लघुत्तम नहीं लिखते हैं, या हमें अनुपात बराबर करने के लिए करना पड़ता है। ठीक है, यही अगर आपने फर्स्ट से नहीं पढ़ा होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो लोग फर्स्ट से जुड़े हुए हैं, मतलब इस चैप्टर के फर्स्ट से, ये नहीं कह रहा मुझसे स्टार्टिंग से, इस चैप्टर के फर्स्ट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, अगर समझ में नहीं आया भाई वापिस से देख लो एक और क्वेश्चन, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अच्छा एक बात और, ये हमारी सातवीं क्लास है तो आप लोग ये नहीं कि यार भाई कितने इसके पार्ट होंगे, इसके बाद एक और पार्ट होगा उसमें हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। भाई मैं हर एक क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आए। क्वेश्चन देखना कि तीन महाविद्यालयों में एबीसी के छात्रों का अनुपात, तीन विद्यालय है, ए विद्यालय, बी विद्यालय और सी विद्यालय है, इनके छात्रों का अनुपात क्रमशः 5:4:7 है। क्या है, 5:4:7 है। इसमें क्या हुआ है, इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में 20%, 25% और 20% की कमी हुई है। भाई 20%, 25% और 20% इनकी क्या हुई है, कमी हुई है। तो आपको यहां पर क्या करना है, नया अनुपात निकालना, भाई नया अनुपात निकालना है ये कमी होने के बाद, कमी हुई है। ठीक है, कैसे बताया था मैंने आपको, बिल्कुल रिवाइज करो इसको। क्या करना है, आपको पॉज करना, वीडियो को बंद करो, खुद से करो। भाई जब तक खुद से नहीं करोगे बिल्कुल समझ में, मैं यहाँ पर 50 बार समझा दूंगा, 10 बार, 100 बार समझा दूंगा, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा। भाई हम मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, जब तक पीछे बैठे रहोगे तब तक नहीं चला पाओगे, जब तक पहली बार चलाओगे फिर दूसरी बार चलाओगे, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे राइडर बन जाओगे। ठीक है, अब क्या करना है, कमी हुई है तो 5 ये है इसे 100% कमी करी तो 80/100। ठीक है, अनुपात 4 100% है ही सही, कमी करी तो 75/100। परसेंटेज नहीं पढ़ा दोस्तों, चैप्टर जाकर देखना परसेंटेज का। ठीक है, 80/100। अब यहां पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, ये 100 तो हटा ही दो, 100 हटा दो, 5 का भाग देंगे 16/5, 5 का भाग देंगे
15 पंच 75 और 5 का भाग देंगे तो 16 पंच 80। अब क्या हो रहा, कुछ कट रहा क्या भाई? अगर कट रहा हो तो काट दो, नहीं कट रहा तो मत काटो भाई। दो से कट जाएगा, ये दो से दो बार, ये दो से आठ बार, ये दो से आठ बार। अब नहीं कटेगा तो 8 पंच 40 हो गया, अनुपात 15 दून 30 हो गया और 8 सतु 56 हो गया। अब कट रहा क्या? अब और कट जाएगा, दो से फिर कट जाएगा 20 अनुपात 15 अनुपात दो से कटेगा 28 दून 56। ये हमारा क्या आ गया? नया अनुपात आ गया। अब देखो दोस्तों, यहां पर तो 5:4:7 था, यहां तो बढ़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि बढ़ गया है घट जाए, इससे किसी को नहीं पड़ता कि यार यहां पर तो हमने कमी की थी तो ये बढ़ कैसे गया, इसका कोई संबंध नहीं है। इसका जहां तक कट रहा है मिनिमम वैल्यू रहती है अनुपात, है ना, ये मिनिमम वैल्यू, ये वैल्यू नहीं है, ये इसकी वैल्यू नहीं है। यहां पर इसकी वैल्यू 10, 8, 14 हो सकती है, 5 का गुणा कर देंगे तो 50, 40 और 70 हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन ये जो अनुपात का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू किसी भी संख्या की, कहां तक? तीनों संख्याएं किसी भी एक संख्या से डायरेक्ट टू डायरेक्ट कटती जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना वीडियो, अगर यहां पर समझ में आ रहा क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना, नहीं समझ में आ रहा भाई डिसलाइक करो बिल्कुल, और मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या दिक्कत आ रही, ठीक है? तुम्हारा भाई इतना अच्छे समझा रहा तो समझ में तो आएगा ही सही, है ना। अगला क्वेश्चन देखना, तीन संख्याएं हैं जिनका अनुपात दिया हुआ है, यदि इन संख्याओं का गुणनफल इतना है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी? तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, पास 5:6:7 दिया हुआ है और इनका गुणनफल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5, 6, 7, 0। ये इनका गुणनफल दिया हुआ है, हमें क्या करना है? बड़ी संख्या निकालनी, सबसे बड़ी संख्या निकालनी इसमें। तो क्या होगा? तीन संख्याओं का गुणनफल है तो दोस्तों कहीं ना कहीं इनमें x का गुणा हुआ होगा, किसी भी संख्या का, 5 का 10 का 15 का, तीनों में गुणा हुआ होगा। तो भाई 5x × 6x × 7x करेंगे तभी तो ये 56, 70 आया। कब आया? जब इनका तीनों का गुणा किया। अब क्या करेंगे यहां तो x³ हो गया, ठीक है, और 56, 70 के बटे में ये 5 × 6 × 7 को ले जाएंगे। काट दो भाई, 5 से काट दो इसको, कितने बार कट जाएगा? 5 × 5, 5 × 5, 1 = 17, 5 = 15, 2 = 20 और 5 × 20। 7 से काटो तो 7 से कटेगा कितनी बार? 7 × 7, 4 = 43 हो गया और 7 × 42, 1 = 14 हो गया, 7 × 14। 6 से काटो कितनी बार कटेगा? 6 × 12, 4 = 42, 6 × 7 = 42 भाई 27 आया है और हमें x का मान निकालना, तो x बराबर 3 नहीं हो जाएगा? 27 का 3 × 3 में टूटेगा और x³ है तो 3 से 3 कट जाएगा, इसका क्यूब से ये क्यूब कट जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर 3 आ गया, हमें निकालना सबसे बड़ी संख्या। भाई तीनों में सबसे बड़ी कौन सी? 7 है तो 7 × 3 = 21। भाई 10वीं का पेपर नहीं दे रहे, 12वीं का पेपर नहीं दे रहे, कॉम्पिटिशन एग्जाम का दे रहे, सिर्फ आंसर लाना भाई, आंसर टिक करना, कोई मेथड से नहीं करना, समझ गए ना? मेथड से नहीं कैसे जमा के कि ये बराबर भी लिखना है और LHS भी लिखना, भाई लिखना नहीं है आपको। आप चाहो तो कलम पेन भी मत उठाओ, अपने दिमाग में कर लो भाई। ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि कलम पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है और आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का अंतर, नहीं एक और देखो कि दो संख्याएं हैं 4:5 के अनुपात में, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, पहली संख्या में 20% की वृद्धि और दूसरी में 20% की कमी करने पर। भाई पहली में तो 20% की वृद्धि करनी है और इसमें 20% की कमी करनी है, तो अगला जो अनुपात है वो क्या आएगा? भाई यहां पर ये 4 क्या है? 100% है, तो 4 × 20% की वृद्धि तो 120/100, अनुपात 5 × 20% की कमी यानी 80/100। भाई ये 100 से 100 तो कट जाएगा, यहां पर 0 से 0 भी कट जाएगा, 4 से 4 एक बार कटेगा, 4 से ये कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा, 2 से काटो 6 बार, ये 1 बार हो जाएगा, तो हमारा कितना आ गया? 6:5 आ गया नया अनुपात। सिंपल क्वेश्चन था लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन सारे आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखवाने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं 1 मिनट का 10 सेकंड का आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम। दो संख्याओं का अंतर, क्वेश्चन अगला देखना, दो संख्याओं का अंतर गुणनफल और योगफल, दो संख्याओं का अंतर गुणनफल और योगफल का अनुपात दिया हुआ है, अंतर योगफल
और गुणनफल, योगफल और गुणनफल, है ना, तीनों का अनुपात दिया हुआ है भाई, 1:7:24 दिया हुआ है, हमें निकालना है गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल क्या है भाई, ये अभी के टाइम में गुणनफल नहीं है हमारे पास, यानी कहा अनुपात है, हमें निकालना गुणनफल, तो यहाँ पर किसी ना किसी संख्याओं का तो गुणा किया गया होगा, तो माना इसमें ए का गुणा किया गया, ए नहीं मानते, ए ही मान लेते, ए का गुणा किया गया, तीनों में ए का गुणा किया गया है, यहाँ पर दो हो गया, तीन हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार, किसकी किसी का भी गुणा किया हुआ, ये तो मिनिमम वैल्यू, इससे कम नहीं कर रही। अब दो संख्याएं दी हुई है हमें x और माना y, ये दो संख्याएं, यानी का अंतर हमारे पास x माइनस वाई बराबर ए हो गया, x प्लस वाई बराबर 7a हो गया भाई, अगर यहाँ पर इनको जोड़ लेंगे तो y से तो y कट गया, 2x बराबर 8a, और x का मान हमारे पास कितना आ गया 4a, x का मान हमारा 4a आ गया, तो y का मान कितना होगा भाई, y का मान यहाँ पर y है, x का मान हमारा 4a, 4a इधर जाएगा, 7a में से 4a जाएगा, तो 3a आएगा। अब हमें क्या निकालना है भाई, जब हमारे पास योगफल आ गया, अंतर आ गया, हमने संख्याएं ज्ञात कर ली, तो गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं भाई, गुणनफल इन दोनों का गुणनफल, एक्स वाई का गुणनफल कितना है 24a, जब एक्स वाई का हमें मान पता है तो हम 4a इंटू 3a कर लेंगे भाई, a से तो a कट गया, 4 तिया 12 से ये कटेगा 24 दो बार, ठीक है, ये 4 और 3 से 12 हो गया, 12 से ये कटेगा, a का मान हमारा कितना आ गया 2 आ गया भाई, हमें निकालना था गुणनफल, तो 24 इंटू ए कर देंगे तो हमारा गुणनफल आ जाएगा, तो 24 इंटू 2 करेंगे बराबर आ गया 48, 48 जो है इन संख्याओं का गुणनफल है, तो संख्याएं क्या होगी भाई, एक तो होगी 8 और एक होगी 3 × 2 = 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूज होना लाजमी है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, तो माना लड़के जो है वो x हैं और लड़कियां जो हैं वो क्या है भाई, वाई तो रहेगी, लड़कियां x है, लड़के x है, लड़कियां वाई है, उन्होंने बोला है कि लड़की लड़कों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 10% बराबर है किनका, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है, लड़कों की संख्या का 10% जो है वो लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है भाई, लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है, ये और ये बराबर है, इसका 10% निकाल लो और इसका 1/4 निकाल लो, तो माना इसका 10% 2 आ रहा है, तो इसका 1/4 भी 2 आएगा, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। दूसरा एक और दिया हमें कि लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/25 है, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दूसरा वो निकालेंगे, उसमें भी सेम आएगा, ठीक है ना, अनुपात निकालना, तो अनुपात यहां से निकाल सकते हैं, 0 से तो 0 कट गया भाई, ये 2 से 2 बार कटेगा, 2 से 5 बार कटेगा, एक्स अनुपात वाई निकालना है, लड़के और लड़कियों का अनुपात निकालना भाई, लड़कियों और लड़के का अनुपात नहीं निकालना है, लड़के और लड़कियों का अनुपात निकालना, 5 उधर जाएगा तो 5/2 यानी कि 5:2 आ गया हमारा लड़के और लड़कियों का अनुपात, कहीं कहीं पर इसे कंफ्यूज कर देते हैं कि लड़कियों और लड़के का अनुपात बताओ, तो तब आपका 2:5 होगा, ध्यान रखना। देखो ये तो हमारा फर्स्ट से आ गया, एक और इन्होंने इक्वेशन दी है कि लड़कियों की संख्या का 10%, भाई लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का जो 10% है वो लड़कों की संख्या का 1/25 है भाई, लड़कों की संख्या का 1/25 है, तो आप यहां से निकाल लो रेशियो या यहां से निकाल लो, सेम आएगा भाई, 25 से कटेगा कितनी बार, ये 4 बार कटेगा, है ना, 25 से ये भी कटा, 25 से वो भी कटा, ठीक है, 2 से ये 2 बार कटेगा, 2 से ये 5 बार कटेगा, वाई धर लिया, लड़के और लड़कियों का निकालना, तो x बटे वाई बराबर 5/2 भाई, आया कि नहीं 5:2, यहां से भी आया, तो दोनों में से कहीं से भी निकाल लो, आपको अनुपात निकालना है, पर हमें संख्या नहीं निकालनी, कुछ भी नहीं निकालना, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि भाई लड़कों का पूछा कि लड़कियों का पूछा है, दोनों का पूछा, लेकिन पहले किसका, लड़के लड़कियों का पूछा, लड़कियों लड़के का पूछा। अगला क्वेश्चन देखना, 3 कार है भाई, 3 कार है, यहाँ तो एक भी नहीं है, है ना, पर एक आदमी के पास 3 कार है, और इन 3 कारों द्वारा 1:2 की दूरी भाई, दूरी का अनुपात दिया हुआ है 1:2 और 3:2 की दूरी जो है तय की गई, यदि यात्रा का समय
समय जो है उनका किस अनुपात में लगा? समय लगा है इनका 3:2:1 के अनुपात। दूरी का उल्टा हमेशा समय रहता है अनुपात में, है ना। अब हमें निकालना क्या है, चालों का अनुपात निकालना। भाई इनकी चालों का अनुपात निकालना, तो भाई तुम निकालो ना, ये चले इनके पास कार है, ये चले घूम फिर के आए और हम पे डाल दिया कि भाई हमारा अनुपात निकालो, गलत बात है ना। देखो चाल बराबर क्या होता है, सूत्र पढ़ा हो तो, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी 100 किलोमीटर की दूरी चली आपने, कितने समय में चली, 100 मिनट में चली, आपका जो चाल है वो क्या होगी, 1 मिनट प्रति किलोमीटर, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी क्या हो गई, चाल हो गई। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी क्या है भाई इनकी, इनकी दूरी इसलिए भाई साहब ने 1 किलोमीटर चले कितनी देर में चले, 3 मिनट में चले, ये हो गया बटे 2:2 हो गया, अनुपात 3:1 हो गया, है ना, ये अनुपात आ गया हमारा। अब अनुपात जो है अगर भिन्न में हो तो क्या होता है, लघुत्तम ले लिया 3 × 6 लघुत्तम ले लिया, तो 6 को इधर दूर लिख दो, है ना। अब इसका 3 × 6 में भाग दिया, 2 बार 2 का ऊपर गुणा किया, 2 × 2 का इसमें भाग दिया, 3 × 3 = 6 आ गया। 3 का यहां तो भाग ही नहीं देना है ना, तो डायरेक्ट 6 × 3 = 18। अब यहां पर ये कट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 1:3:9। तो ये जो है इनकी चालों का अनुपात है तीनों कारों की, ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे क्वेश्चन में भी कंफ्यूज नहीं होना भाई, बिल्कुल नहीं होना। अब जो अगला क्वेश्चन आएगा उसमें आप जरूर कंफ्यूज होगे, बेस 100% होगे, है ना। क्वेश्चन देखना कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने देर में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। भाई जितनी देर में कितनी छलांग लगाता है, भाई 5 छलांग लगाता है, उतनी देर में कुत्ता कितनी छलांग लगाता है, 3 छलांग लगाता है, है ना। अब ये बोल रहे हैं कि यदि कुत्ते की 1 छलांग तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग बराबर है, भाई कुत्ता खरगोश जो है 3 छलांग लगाता है उतनी देर में जो कुत्ता है वो 1 छलांग लगाता है, दोनों की जो दूरी वो बराबर है, यानी 1 छलांग में इतनी दूरी तय करता है जितना ये 3 छलांग में दूरी तय करता है। तो हमें चालों का अनुपात निकालना, भाई चालों का अनुपात निकालना है। तो देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, ठीक है। तो ये तो इनकी दूरी हो गई, ये तो क्या हो गई, ये 5 छलांग चलता है और ये 3 छलांग चलता है ना, ये दूरी हो गई एक समय में, है ना। और ये समय इतने लेते हैं भाई, ये 3 छलांग का समय लेता है और ये 1 छलांग का, तो भाई ये क्या हो गया, 5/3 हो गया। ये तो इसकी दूरी हो गई और ये ले रहा समय इतना, इतनी देर में ये इतना चलता है, तो ये इसका हो गया अनुपात, कुत्ते का हो गया, कुत्ते की छलांग हो गई दूरी और इसका ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, ये अनुपात निकाल लिया हमने, अनुपात निकालेंगे लघुत्तम लेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर तो 5 ऐसा का ऐसे ही रहेगा, और ये 3 का भाग देंगे 3 एकम, यहाँ पर 1 का भाग देंगे 3 बार, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। तो इनकी चालों का अनुपात क्या आ गया, खरगोश और कुत्ते की चालों का अनुपात 5:9 आ गया। हमसे क्या पूछा है, कुत्ते और खरगोश की चालों का अनुपात, भाई कुत्ते और खरगोश की चालों का अनुपात तो ये होगा 9:5, ठीक। ऐसे कंफ्यूज करते हैं, ऑप्शन में आपको दोनों ऑप्शन दिए रहेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो भाई कंफ्यूज होने का नहीं, तुम्हारा भाई बता तो रहा है तुम्हें, है ना, बिल्कुल कंफ्यूज होने का नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, बहुत ध्यान से देखना कि 2 धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात क्रमशः 2:1 और 4:1 है। भाई जिंक और तांबे का अनुपात जो ए और बी में, देखना क्या है, 2:1 और 4:1 है ना। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप कर ही लोगे, मैंने पहले इस टाइप का करवा दिया है। धातु ए के 60 किलोग्राम के साथ धातु बी का 100 किलोग्राम मिलाया गया है। भाई ए का 60 किलोग्राम के साथ बी का 100 किलोग्राम मिलाया गया है, इनको दोनों को मिला दिया गया है ना। अब क्या बोला है कि यदि ए में शीशे और टिन का अनुपात 3:2 हो, भाई शीशे और टिन का अनुपात जो ए में,
और बी, दो धातु है ये ए ये बी, दोनों में सी से और टेन का अनुपात 3:2 और 4:1 है, 3:2 और 4:1 है, तो क्या बोला हमसे नई धातु में टेन कितना होगा? भाई जो नई धातु है उसमें टेन कितना होगा, तो ये 160 किलोग्राम तो पूरा होगा, 160 किलोग्राम तो पूरा होगा, तो हमें क्या करना है, इसका टेन निकाल लो और इसका टेन निकाल लो, अलग अलग है ना, कैसे कर लो, देखो आपको टेन निकालना टोटल है ना, किलोग्राम दे ही रखा हमें, तो भाई सी से और टेन का अनुपात यहाँ पर 3:2 है, 5 है तो 5 का भाग देंगे 60 में कितना आएगा 12 2 24, यहाँ पर तो 24 केजी हो गया ए में 3, और यहाँ पर कितना होगा 4 में 5 का भाग देंगे 100 में 20, और 20 इंटू 1 करेंगे तो 20 केजी, भाई 20 केजी यहाँ पर टिन हो गया, और 24 और 20 कितना होगा 44 केजी, 44 केजी जो है वो टिन है 160 किलोग्राम में, बाकी का जो है वो क्या है शीशा है, शीशे का अनुपात ज्यादा है। तो अब दोस्तों यहां पर आज के चैप्टर के आज के हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, कल का जो वीडियो आएगा उसमें आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, मतलब ये आज का हमारा 7वीं क्लास थी, 8वीं जो क्लास रहेगी उसमें सारे क्वेश्चन, बाकी के जितने भी बचे कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आपको कल क्लियर करवा दूंगा। आई होप कि दोस्तों आपको जो पुराने और अभी मैं करवाए हैं सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अगर आ गए हैं तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, अपने दोस्तों को भी बताना जो मैथ्स में कमजोर है भाई यहां से मैथ्स पढ़ सके। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।